और इस बीच बड़ी खबर, आईपीएस असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। असीम अरुण बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें, असीम अरुण अभी कानपुर में पुलिस कमिश्नर है, तो कानपुर पुलिस कमिश्नर वीआरएस ले रहे हैं, बीजेपी वो ज्वाइन करने वाले हैं। भूले नहीं, इलेक्शन कमीशन द्वारा आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में मतदान होना है और कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण वीआरएस लेंगे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का मन बना लिया है, तो वीआरएस लेंगे। और इस वक्त फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी वो कानपुर में पुलिस कमिश्नर है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएस असीम अरुण वीआरएस लेंगे और आवेदन किया गया है उनके द्वारा, क्योंकि अब वो राजनीति में आने का मन बना रहे। मेरे सहयोगी विशाल पांडे और इन्फॉर्मेशन के साथ, विशाल, असीम अरुण द्वारा जो कि कानपुर में पुलिस कमिश्नर है, उनके द्वारा वीआरएस के लिए आवेदन किया गया है और क्या डिटेल्स आपके पास है? देखिए, असीम अरुण लंबे समय से कानपुर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं और आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ से दोपहर में लखनऊ में मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है और ये तय माना जा रहा है कि असीम अरुण अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और सूत्रों ने दावा किया है कि कन्नौज सदर सीट से असीम अरुण टिकट भी मांग रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगते ही अब एक अधिकारी जो कि बड़े पुलिस ऑफिसर है, वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी अपडेट के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।